हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 दिसंबर और 9 दिसंबर को IBPS क्लर्क प्री का एग्ज़ाम हुआ है, और इस प्री एग्ज़ाम में इंग्लिश के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सभी स्टूडेंट्स उनके सॉल्यूशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो 8 दिसंबर के एक शिफ्ट के क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, और इन क्वेश्चंस के 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा इस चैनल पर। तो सबसे पहले मैंने पैराजंबल के कुछ क्वेश्चन लिए हैं, और पैराजंबल पूछा गया था 8 दिसंबर को एक शिफ्ट में। पैराजंबल बेसिकली होता क्या है, अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं और उनको मिला दिया जाता है, जंबल्ड अप मिक्स्ड अप कर दिया जाता है, और उनको आपको अनजंबल करना है और एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है। तो इसमें बेसिकली चेक क्या करता है एग्जामिनर, इसमें एग्जामिनर चेक करता है आपकी लॉजिकल रीजनिंग कि किस तरीके से आप लॉजिक इसमें बिठाते हैं। तो इसके लिए आपकी लॉजिकल रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए, और इंग्लिश लैंग्वेज किस तरीके से काम करती है, इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी आपको इसके लिए होनी चाहिए। तो सेम ये उसी तरीके का क्लोज टेस्ट आया है जिस तरीके का मैं अपनी क्लासेस में बताता रहता हूँ, और इसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जो ट्रिक्स मैं बताता हूँ उन ट्रिक्स को अप्लाई करके इस तरह के क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 सेंटेंस दिए हैं, ठीक है। अब देखिए, कोई भी पैराग्राफ जब स्टार्ट होता है तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि नाउन से स्टार्ट होगा, ठीक है। नाउन में नॉर्मली प्रॉपर नाउन से स्टार्ट होता है, लेकिन कॉमन नाउन से भी स्टार्ट हो सकता है। अब इस नाउन को रिप्लेस करने के लिए आपको एक प्रोनाउन चाहिए, ठीक है। तो इसके सबसे पहले नाउन आएगा, उसके बाद प्रोनाउन आएगा, या इसको आप ऐसे भी मान सकते हैं कि सबसे पहले आप एक ऐसे सब्जेक्ट को लेंगे जो इनडेफिनिट है, ठीक है। उसके बाद उस सब्जेक्ट को पर्टिकुलराइज करने के लिए उस सब्जेक्ट को आप दा के साथ बोलेंगे। अब देखिए, यहाँ से हम फर्स्ट सेंटेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये जो पैराग्राफ है ये किसके बारे में है, ये BCCI के बारे में है, क्रिकेट के बारे में है, ठीक है। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हैं, टोटल इनकम, टेलीविज़न व्यूअरशिप, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये सारे वर्ड दिए हैं। अब देखिए, क्रूशली यहाँ पर एक एडवर्बियल फ्रेज लिखा है, एक एडवर्ब लिखा है क्रूशली, ठीक है। इसी तरीके से मिलते जुलते फाइनली या इस तरह का कोई भी वर्ड आता है, एट लास्ट, तो इससे पैराग्राफ स्टार्ट नहीं होता है, इससे पैराग्राफ को हम नॉर्मली एंड करते हैं, ठीक है। या आप मान सकते हैं कि कोई आप कंक्लूजन निकाल रहे हैं यहाँ पर, क्रूशली उस फैक्ट को यहाँ पर कोई कंक्लूजन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस फर्स्ट नहीं हो सकता। अब ये सेंटेंस देखिए, द टोटल इनकम दैट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बाई BCCI अमंग प्लेयर इज रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ लोअर इनकम फ्रॉम मीडिया राइट्स। अब क्या ये सेंटेंस टाइटल सेंटेंस बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि ये सेंटेंस एक एक्सटेंशन लग रहा है किसी प्रीवियस सेंटेंस का। मतलब इसमें जो बात हो रही है उसका पता नहीं है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, ये किसने बोला है, इसका टाइटल क्या है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सेंटेंस का एक्सटेंशन। ये टाइटल सेंटेंस ना होते हुए सेंटेंस का एक्सटेंशन लग रहा है। अब यहाँ पर देखिए, टेलीविजन व्यूअरशिप फॉर द गेम हैज ड्रॉप्ड 40% टू अ वीकली 60% ग्रॉस रेटिंग पॉइंट्स। मतलब टेलीविजन की व्यूअरशिप गिर गई है। अब ये सेंटेंस भी एक्सटेंशन है, क्योंकि इसमें ये नहीं पता पड़ रहा कि किस सेंस में, किस कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात हो रही है। इसके अलावा एक और इसका लॉजिक है, देखिए यहां पर लिखा है द गेम। द गेम का मतलब है कि यहां पर इस गेम को पर्टिकुलराइज किया गया है, यानी इससे पहले एक सेंटेंस होना चाहिए जिसमें इस गेम की बात हो रही हो, तभी तो हम द गेम बोलेंगे। पहले हम ए बोलते हैं, जैसे पहले मैं बोलूंगा अ डॉक्टर, उसके बाद मैं बोलूंगा द डॉक्टर। जब मैं टॉपिक को इंट्रोड्यूस करूंगा तो सबसे पहले मैं अ डॉक्टर बोलूंगा, यदि मैं डॉक्टर की बात करता हूं तो उसके बाद द डॉक्टर बोलूंगा। तो यहां पर द गेम आया है, इसके मतलब इस गेम की पहले बात हो चुकी है, यानी ये सेंटेंस जो है ये एक्सटेंशन है किसी सेंटेंस का, प्रीवियस सेंटेंस का। यहां से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि क्रूशली इसमें एक एडवर्ब दिया गया है। यहां से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, यहां से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। अब इसको देखते हैं, अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ऑफिशियल सेड हाउएवर। इसमें देखिए हाउएवर लिखा है, हाउएवर का क्या मतलब है कि हाउएवर के थ्रू हम किसी प्रीवियस सेंटेंस का कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस है ए और एक सेंटेंस है बी, तो इन दोनों सेंटेंस में हमें कॉन्ट्रास्ट दिखाना है, तो हम हाउएवर को बीच में लगा देंगे, ठीक है। तो हाउएवर यहां पर लगा हुआ है, इसका मतलब यह है कि यह किसी प्रीवियस सेंटेंस का एक्सटेंशन है, यह शुरुआती सेंटेंस नहीं हो सकता क्योंकि इसमें हाउएवर लगा हुआ है,
तो ये सेंटेंस भी फर्स्ट नहीं हो सकता। अब कौन सा सेंटेंस बचा? ये सेंटेंस बचा, लॉजिकली आपके पास ये सेंटेंस बचा जो कि फर्स्ट सेंटेंस बन सकता है। अब इसमें देखिए, ये फर्स्ट सेंटेंस क्यों बनेगा? एक तो आपने ये चारों सेंटेंस इलिमिनेट कर दिए, ठीक है, तो उस लॉजिक के हिसाब से भी ये सेंटेंस फर्स्ट बन सकता है। और एक दूसरा लॉजिक ये है कि इसमें एक नाउन को हमने मेंशन किया है, क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट एक कॉमन नाउन है। क्रिकेट सीम्स टू बी लूजिंग इट्स क्राउड पुलिंग पावर। तो इस सेंटेंस में हम क्या बोल रहे हैं कि क्रिकेट सीम्स टू बी लूजिंग इट्स क्राउड पुलिंग पावर, कि क्रिकेट भीड़ खींचने की उसकी जो पावर है, स्टेडियम में जो भीड़ जाती है जब मैचेस होते हैं, वनडे और ये T20 जब मैचेस होते हैं तो काफ़ी क्राउड वहां पर जाता है। तो इस सेंस में ये बोला जा रहा है कि क्रिकेट ने अपनी क्राउड पुलिंग जो पावर है वो खो दी है। क्रिकेट सीम्स टू बी लूजिंग इट्स क्राउड पुलिंग पावर। तो ये सेंटेंस एक टाइटल सेंटेंस बन सकता है क्योंकि ये सेंटेंस किसी कोई एक्सटेंशन नहीं लग रहा है। इसके अलावा इसमें एक नाउन भी दी है। इसके अलावा ये चार सेंटेंस हम इलिमिनेट कर चुके हैं, तो इसलिए ये सेंटेंस आपका फर्स्ट सेंटेंस बन सकता है। तो यहां से हम शुरुआत करते हैं, ई से हम शुरुआत करते हैं कि ई आप सेंटेंस बन जाएगा। देखिए यहां पर मैं आपको बहुत डिटेल में बता रहा हूं, लेकिन एग्जाम में आपको थोड़ा सा जल्दी करना है और फास्ट तरीके से इसको करना है। लेकिन फास्ट तरीके से आप तभी कर पाएंगे जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे और आपकी लॉजिकल रीजनिंग जो होगी वो अच्छी होगी, ठीक है। तो सारी चीजें मैं लॉजिकली यहां पर आपको बता रहा हूं। तो यहां पर पहले आ गया ई, क्रिकेट की बात हो रही है इसमें, ठीक है। अब देखिए इस वाले सेंटेंस में देखिए, टेलीविजन व्यूअर से फॉर द गेम, फॉर द गेम मतलब कौन सा गेम? क्रिकेट का जो गेम है, जो प्रीवियस सेंटेंस में हमने क्रिकेट की बात की है, और यहां पर उस गेम को हम पर्टिकुलराइज कर रहे हैं। चूंकि पहले हमने उस क्रिकेट को इंट्रोड्यूस किया है इसलिए क्रिकेट बोला, बाद में उसको हमने डेफिनेट कर दिया, हम जानते हैं कि हम किस गेम की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पर हमने इसको द गेम बोला है। तो ये मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं, टेलीविजन व्यूअर से फॉर द गेम। और देखिए यहां पर, देखिए यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि क्रिकेट ने अपनी क्राउड पुलिंग पावर खो दी है, और वही सेम चीज हम यहां पर वो बोल रहे हैं कि टेलीविजन व्यूअरशिप फॉर द गेम हैज ड्रॉप्ड 40%। मतलब इन दोनों सेंटेंसेस में सेम चीज बोली जा रही है, इन दोनों सेंटेंसेस में सेम चीज को हम मेंशन कर रहे हैं। तो इन दोनों का एक मैंडेटरी पेयर बन रहा है। मैंडेटरी पेयर के अलावा यहां पर हम क्रिकेट बोल रहे हैं और यहां पर उस क्रिकेट के लिए हम बोल रहे हैं द गेम, ठीक है। तो ई और सी का एक मैंडेटरी पेयर हर लॉजिक के हिसाब से बन रहा है। तो अब देखिए इसके बाद हम क्या सेंटेंस लेंगे? इसके बाद ये वाला सेंटेंस हम ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि इसमें देखिए क्या बात हो रही है, इसमें भी सेम ही बात हो रही है। क्रूशली द लॉस ऑफ शीन इज रिफ्लेक्टेड, मतलब जो चमक थी, जो क्रिकेट की जो चमक है वो चली गई है। शीन का मतलब होता है चमक। तो यहां पर हम क्या बता रहे हैं, ई और सी सेंटेंस में हम ये बता रहे हैं कि क्रिकेट ने अपनी जो चमक है वो खो दी है। उसके बाद हमने एक फैक्ट बताया है कि टेलीविजन व्यूअरशिप जो है वो 40% गिर गई है, और उसके बाद हमने उसी को आगे और एक्सटेंड किया है कि इसकी जो लॉस ऑफ शीन है, जो चमक खो गई है, वो रिफ्लेक्ट होती है कहीं पर अकाउंट बुक में, वो रिफ्लेक्ट होती है। तो कहीं ना कहीं ये सेंटेंस सी, ई और सी का एक्सटेंशन है ये वाला सेंटेंस, क्योंकि इसमें भी ऑलमोस्ट वही बात बोली जा रही है। तो यहां पर मैं लगा दूंगा ए, क्रूशली द लॉस ऑफ सीन इज रिफ्लेक्टेड इन द अकाउंट बुक ऑफ द स्पोर्ट्स कंट्रोवर्सियल एडमिनिस्ट्रेटर। यहां पर देखिए गेम की बात हो रही है, और थर्ड सेंटेंस में ए में हमने स्पोर्ट्स की बात करी है इसमें। तो इस तरीके से ई सी ए हो जाएगा। अब क्या सेंटेंस आएगा? अब देखिए यहां पर जो हाउएवर वाला सेंटेंस है डी, ये पहले तो आएगा नहीं, क्योंकि डी के थ्रू हम क्या दिखाएंगे? कॉन्ट्रास्ट दिखाएंगे। डी वाला सेंटेंस शुरू में नहीं आएगा, पहले वो सेंटेंस बोलेंगे जिसमें हमने एक स्टेटमेंट को मेंशन किया है, उसका कॉन्ट्रास्ट फिर अगले वाले सेंटेंस के थ्रू हम दिखाएंगे। यानी बी और डी में से डी पहले नहीं आ सकता, डी बाद में ही आएगा, क्योंकि उसके थ्रू हमने कॉन्ट्रास्ट दिखाया है। उसके पहले आएगा बी, क्योंकि जब मैं बी को लिखूंगा तभी तो मैं उसका कॉन्ट्रास्ट को क्रिएट करूंगा हाउएवर के द्वारा, ठीक है। तो आपका जो पेयर बनेगा, जो कॉम्बिनेशन बनेगा, वो ई सी ए बी डी बनेगा। इस तरीके से ये पैराजंबल सॉल्व होता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और ये सेम लॉजिक आपको लगाना है। एग्जाम में काफी स्कोरिंग होता है पैराजंबल, यदि आप इसको सही तरीके से करते हैं तो पूरे 5 के 5 नंबर आपके एकदम से सही हो जाते हैं, और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये नहीं होता,
तो आगे जो एग्ज़ाम होगा आपको 15-16 तारीख को जो एग्ज़ाम्स हैं IBPS क्लर्क के, उनमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। थर्ड सेंटेंस कौन सा है? तो थर्ड सेंटेंस जो है वो ए है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? फर्स्ट आपका आंसर होगा। सेकंड सेंटेंस कौन सा है? ई सेकंड सेंटेंस है आपका सी, आपका आंसर होगा सेकंड। फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है आपका? फर्स्ट सेंटेंस है ई, आपका आंसर होगा फोर। फिफ्थ सेंटेंस कौन सा है? फिफ्थ सेंटेंस है ई सी ए बी डी, डी है, आपका आंसर होगा थर्ड। फोर्थ सेंटेंस ई सी ए बी है आपका सेकंड। देखिए इस तरीके से आप पैराजंबल को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं और 5 में से 5 नंबर आप ला सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।